वेलकम बैक टू माय चैनल वाटिका। और आज हम आपको थोड़ा अपडेट देने वाले हैं। थोड़ा बारिश का वक्त हट चुका है, मतलब बारिश कुछ दिन हुआ था, उसके बाद अभी काफ़ी कम बारिश हो रहा है। फिर भी मेरा पौधा काफ़ी सारा ग्रोथ लिया है, तो उसको दिखाएंगे आपको। जैसे कि ये एरोहेड का पौधा था, इसमें ये इस तरह से छोटा छोटा काफ़ी सारा नया नया पत्ता निकल रहा है। ये शाइनी जो लीफ है ना, ये इधर ही निकला है, मतलब बहुत धीरे उग रहा है। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मतलब बरसात तो आ ही गया है तो उगना ही चाहिए। फिर ये भाई स्वीट पोटैटो वाइन है, जो हम ऐसे ही अपने से उगाए थे, तो वो वाला भी अच्छे से उग रहा है। और एक बिल तो वैसे जाके वहाँ लंबा हो गया है काफ़ी सारा। और स्वीट पोटैटो वाइन ये भी काफ़ी अच्छे से उग रहा है, खासकर ये वाला जो है ये काफ़ी ग्रीन, मतलब लश्करदार हो चुका है। मतलब कंटेनर थोड़ा बड़ा दिए थे इसमें, इसलिए भी। और कुछ और नया नया ये गोल्डन पोथोस टाइप लाए थे, और ये एक एरोहेड वगैरह भी लाए थे हम, मतलब कि सॉरी ब्रोकन हार्ट, और ये कोई वाइट सिल्वर क्वीन पोथोस है, जो कोई मतलब कुछ भी है, मतलब हमको उतना ख्याल नहीं है। ये मॉन्स्टेरा वाला सब लेके आए थे, इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये कैसा कितना रुपये में लाएँ। तो इसका भी ग्रोथ लगभग, इस पाम का भी ग्रोथ बढ़ रहा है। फिर ये एक रिपोर्टिंग किया था आप, मेरे चैनल पर वीडियो भी होगा इसका, तो इसका तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है। खैर इसको अभी हम डिस्टर्ब किए बिना छोड़ देंगे किसी के उसके हाल पे, तो उगना तो चाहिए वो। फिर यहाँ ये इस कैलिडियम को भी, ये भी उग रहा है अच्छे से। ये वाला जो है ये नया नया पत्ता निकाला है काफ़ी सुंदर सा, और यहाँ से एक और नया आ ही रहा है। फिर ये बरगद का पेड़ जो लगाए थे उसमें इस वाले कंटेनर में, ये भी काफ़ी अच्छे से उग रहा है। फिर मोरिंगा का पेड़ तो उग ही रहा है, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हो गया था नीम का पेड़ का, कि इसको थोड़ा टर्न कर दिए थे, एक एंगल पे शिफ्ट कर दिए थे, और थोड़ा पानी लगता है कम हो गया था, इस कारण ये पीला पड़ गया काफ़ी देर पता। खैर उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बरसात है तो सही से रिकवर ले ही लेगा। और ये सब जो आंवला वगैरह लाए थे हम सरकारी नर्सरी से, इसको भी एक अलग वीडियो में अपलोड करेंगे, देखिएगा। तो चार हम आंवला का पेड़ लाए थे, एक अर्जुन का ये वाला, इसका भी हालत थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन ठीक है, हमको पता है कि ये बच जाएगा। और ये सब वैसे ही उग रहा है, ये भी काफ़ी प्यारा मतलब लगता है हमको। इधर वाला सारा पौधा है, और ये दिखाते हैं कि ये अनार का जो पौधा है, जो पहले काफ़ी छोटा छोटा पत्ता टाइप आ रहा था ना, अब ये काफ़ी सुंदर सा बड़ा बड़ा एकदम फ्रेश खिला हुआ पत्ता टाइप आ रहा है। इसमें मिली बग भी अब लग रहा है, पता नहीं इसको कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब नीम का पेड़ हमको थोड़ा ज़्यादा ही लाना पड़ेगा इस बार, तो अभी तक नर्सरी में आया नहीं था इसलिए हम ला नहीं पाए थे। फिर ये वाला जो नीम वाला उगा रहे थे, इमली वाला उगा रहे थे पौधा, ये भी अच्छे से उगने लगा। फिर इधर आएँ तो ये भी, ये वाला भी अपना थोड़ा पत्ता हम बड़ा बड़ा साइज़ का अब निकालने लगा है, ये हरसिंगार का पौधा है। और मेरा रेन लिली में कुछ कुछ नया नया जो फूल जो है अब ये खिलना शुरू हो गया, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है ये वाला फूल। ये जो एक फिलोडेंड्रोन का वैरायटी को कटिंग्स लगाए थे, मतलब ये वाला अपना जड़ बहुत ज़्यादा फैला रहा है, मतलब अभी ये हर तरफ से अपना जड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको मिट्टी में डायरेक्ट कर देंगे ताकि इसका थोड़ा जड़ अच्छे से फैल जाए और थोड़ा अच्छे से उगे भी। और फिर ये भी जेनेटिव वाला जो प्लांट था, ये तो काफ़ी पुराना पत्ता है, ये इधर ये नया पत्ता आया है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये भी अपना, ये वही फिलोडेंड्रोन है, और ये वही है कि यहाँ से एक नया पौधा भी शायद उगा रहा है वो, और जड़ तो काफ़ी सारा उग रहा है, मतलब बहुत सारा जड़ उगा रहा है अपना, ये भी काफ़ी अच्छा बात है मेरे लिए और पौधे के लिए भी। और इसका भी जो था जो जड़ी बूटी वाला पेड़ है, ये भी अच्छा खासा ग्रोथ होने लगा है, क्योंकि थोड़ा जो ब्रांच है कट कर दिए। फिर इसमें आए तो ये झामरेला पाम है, ये यहाँ से काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छा हेल्दी ब्रांच अब निकालना शुरू कर चुका है, ये वाला जो देखते हैं, ये काफ़ी पतला था ये, लेकिन थोड़ा मोटा होना अच्छा बात है। फिर ये वही है, ये क्या बोलते हैं उसको, एक सब्जी का ही था, मतलब जो ऐसे उगता है उसका पता, आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे कौन सा है वो पेड़। और फिर यहाँ से आएँ तो ये भी शुगर एप्पल का काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी शाइनी पत्ता, इसका पत्ता हमको काफ़ी सुंदर होता है, ये भी इसी एक कंटेनर में लगा हुआ। ये आम का तो उग ही रहा था जो अच्छे से, ये वही है। शमी का काफ़ी अच्छा अपडेट आया है कि बहुत पत्ता निकलने लगा इसका। फिर यहाँ पे इस जो पर्पल हर्ट उसको बोलते हैं शायद, तो इसका भी फूल अब आने लगा है और थोड़ा मुरझाने और सूखने लगा है। खटी का ये पपीता का पेड़ भी उग रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अपडेट आ रहा है कि ये अब जो पत्ता आ रहा है ये काफ़ी सुंदर सा शाइनी टाइप आ रहा है एकदम। ये जो पहला पत्ता निकाला था थोड़ा सा कर्ली टाइप आ गया था, लेकिन अब थोड़ा सही आ रहा है। फिर ये वही है मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ और जो भी बोलते हैं, बुआबा वगैरह, तो ये भी अच्छा है। फिर ये वो वाला वही वाला था जो, ये भी काफ़ी अच्छा उग रहा है, जिसको बहुत छोटे कंटेनर में उगा रहे हैं वो कंटेनर में, फिर भी ये काफ़ी अच्छा उग रहा है, तो हम खुश हैं बस। फिर ये वाला पेड़ भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें भी काफ़ी नया पत्ता वो काफ़ी सुंदर सा आ रहा है, तो वो भी हम वैसे ही उगाएँ। और ये फिलोडेंड्रोन वाला है ये वैरायटी, जिसका पत्ता अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने लगा है, तो ये भी हमको अच्छा लग रहा है। और एक और इधर ही देखे थे, ये काफ़ी बड़ा सा, हाँ ये रहा,
यहाँ पे, मतलब वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा पता अब उगाना शुरू कर चुका है। ये रहा, ये नया जो एक ब्रांच आ रहा है, ये वाला काफ़ी बड़ा आ रहा है। मतलब वही देख के हमको आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा आने लगा। तो ठीक है, ये भी ऐसे ही ठीक है, हेल्दी है तो ठीक है। इसका थोड़ा सा ये एक आध पत्ता डैमेज हो गया था, हमको पता नहीं चला कि कैसे हुआ, लेकिन उतना ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है अगर सारा पत्ता अच्छा आता तो। फिर ये नारियल का है तो इसको भी हमको एक चेंज कहीं और लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नया ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, तो जो अलग कंटेनर देंगे तो ज़्यादा अच्छा से हो गया ये। और फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा है नहीं गार्डन में दिखाने के लिए इन्हीं सब के अलावा, तो ऊपर से अपना टेरेस का ऊपर से व्यू दिखाते हुए हम आपको वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, कि काफ़ी सुंदर सा जो लग रहा है, मतलब अच्छा ही लगता है ऐसे ही। हम खैर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा बड़ा ग्रीन एरिया जो है थोड़ा और भरे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा पौधा है, कि इस तरह का नीम का जितना पौधा है वैसा रहे तो अच्छा लगेगा। वो आंवला वगैरह भी है काफ़ी सुंदर सा, और ये सब भी।